पाकिस्तान फिलहाल पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। कराची और फैसलाबाद जैसे शहरों में महीने भर से 2 घंटे पानी भी मुयसर नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा भारत को पानी छोड़ने का आग्रह भी किया था, लेकिन भारत फिलहाल पाकिस्तान के हिस्से का पानी ही भेज रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तानी जनता गले में बाल्टी लटकाए सड़कों पर तमाशा कर रही है। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है जिसने पूरे पाकिस्तान के हाथ पांव फुला दिए हैं। भारत इसी महीने के अंत तक रावी नदी से भारी मात्रा में पानी छोड़ सकता है। मतलब यह पानी इतना ज्यादा होगा कि पाकिस्तान की अब तक की सारी खुशकी निकल जाएगी। पाकिस्तान ने रावी नदी के किनारों पर बसे लोगों को इसकी सूचना देकर सचेत कर दिया है। पंजाब सूबे की सरकार भी इस जानकारी के मिलते ही हरकत में आ गई है। उसने आनंद फानंद में चश्मा बैराज, इस्लाम बैराज, सादराबाद, मोहम्मदाबाद जैसे उन सभी हेडवर्कर्स और बैराज को अलर्ट जारी कर दिया है जिनका संबंध रावी नदी से है। पाकिस्तान को लग रहा है कि मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में, यानी जैसे ही भारत में मानसून शुरू हो जाएगा, रावी पर बने डैम ओवरफ्लो होने की वजह से भारत यह पानी पाकिस्तान की ओर छोड़ देगा। पाकिस्तान इस चिंता में अब इसे लोटा उठाए है कि इस स्थिति में पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ेगा उससे पाकिस्तान की हालत और भी खस्ता हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में आज तक ऐसी कोई आपातकालीन प्रणाली विकसित नहीं हुई है जो ऐसी परिस्थितियों से सामना कर सके। पाकिस्तान बिना मानसून का इंतजार किए रावी नदी के आसपास बसे गांवों को खाली कराने के ढिंढोरे पीट रहा है। लोग कहां जाए इसके लिए उसके पास कोई जवाब नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तानी प्रोपेगंडा भी फैला रहा है कि मोदी सरकार पाकिस्तान की जनता को नुकसान पहुंचाकर अपनी मनमर्जी करना चाहती है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि भारत ने थीन बांध पर इतना पानी एकत्रित कर लिया है जो मानसून की पहली बारिश होते ही ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पर मामला केवल इतना नहीं है। पाकिस्तान पर जब भी लात पड़ती है तो इसे मानवता याद आती है। भारत आज भी पाकिस्तान के हिस्से की एक बूंद नहीं रोक रहा है। इस वक्त पाकिस्तान जाने वाली तीनों नदियों यानी सतलज, रावी और व्यास का जल स्तर बहुत गिर चुका है। भारत उसी अनुपात में अपना पानी उपयोग कर रहा है। अब मानसून की बारिश होगी तो वह पानी पाकिस्तान से होकर अरब सागर में ही जाएगा। इस समय पंजाब सूबे से गुजरती रावी नदी के तमाम हेडवर्कर्स और बैराज पर रेड अलर्ट की चेतावनी से हड़कंप की स्थिति है। माना जाता है कि भारत द्वारा अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से सूबे की हुकूमत को कड़ा इम्तहान देना पड़ सकता है। पाकिस्तान में चर्चा यह भी है कि मोदी सरकार जानबूझकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा देना चाहती है, जिससे पूरे पंजाब में अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के नेताओं को लग रहा है कि मोदी सरकार भारी मात्रा में पानी छोड़कर जनता को हुकूमत के खिलाफ करने की योजना बना रही है। मतलब साफ है, पाकिस्तान अपनी जनता की सुरक्षा करने और उन्हें सुरक्षित आश्रय मुहैया कराने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा भारत विरोध के नाम पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान भूल रहा है कि मानसून भारत के कहने से आता जाता नहीं है। मानसून की बारिश होगी तो पानी को जाने के लिए अपना रास्ता बनाना ही पड़ेगा। अगर रावी नदी का प्रवाह भारत की तरफ होता तो डैम के ओवरफ्लो होने पर पानी तो फिर भी छोड़ना जरूरी हो जाता। इसमें भारत का क्या दोष कि रावी पाकिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। पाकिस्तान केवल रेड अलर्ट के ढोल बजाकर पाकिस्तानियों को जगा रहा है। उनके लिए आपातकालीन स्थिति में किसी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रबंध नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं पाकिस्तान खुद ही अपनी जनता को रावी में डुबोकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा हो। भारत में 1 या 2 हफ्ते बाद मानसून की शुरुआत होने की संभावना है। पाकिस्तान के पास काफी वक्त है। पाकिस्तान को अपना बचाव खुद करना होगा। इस प्राकृतिक आपदा से भारत उसे सचेत तो कर सकता है, हाथ पकड़कर तैर नहीं सकता, क्योंकि डूबने वाला तैरने वाले को भी लेकर डूब जाता है। वैसे भी पाकिस्तान पानी पानी चिल्ला रहा है। अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को पानी की पूर्ति कर देनी ही चाहिए। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।